हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम ये लड्डू गोपाल जी के लिए फ्लावर ड्रेस बनाना सीखेंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बाल गोपाल जी के घेरे के लिए बेस तैयार कर रखा है। हमने देखिए बकरम के दोनों साइड कपड़ा लगा दिया है, जिससे हमारी देखिए फिनिशिंग आती है। और फ्रेंड्स, आप अपने बाल गोपाल जी के हिसाब से घेरा बनाइएगा। और अब देखिए हम कमर कट करेंगे। कमर भी आपको अपने बाल गोपाल जी की कमर के हिसाब से कट करनी है। देखिए इस तरह से हम करेंगे। हमने फोल्ड करा, आप देखिए दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे फोल्ड करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम आधे इंच के करीब निशान लगा देंगे गोलाई में। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सर्कल कट कर लिया है। अब देखिए हम एक साइड से कट कर देंगे। इससे हमारे बाल गोपाल जी को पहनाने में आसानी होगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम देखिए इस तरह की पत्तियां बनाएंगे। देखिए अब हम ये पत्तियां बनाना सीखेंगे। देखिए हम साटन का रिबन ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमारी चौड़ाई है 1 इंच की चौड़ाई है फ्रेंड्स ये, और हमें इसकी लंबाई चाहिए। देखिए देखिए 1.5 इंच से हमें 2 पॉइंट ज्यादा चाहिए इसकी चौड़ाई लंबाई। देखिए 1.5 इंच हमारा ये रहा, और 2 पॉइंट ज्यादा चाहिए, 1.25 इंच हो जाएगा ये। यहाँ निशान लगाएंगे और कट कर देंगे इसको। देखिए कट कर दिया हमने ये। अब इसको हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपना देखिए एक क्लिप लेंगे पकड़ने के लिए, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। और जो हमारा ये हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए कट कर दिया हमने, और इसको देखिए थोड़ा चिपका देंगे। आप मोमबत्ती से भी चिपका सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमारी चिपक जाएगी। अब हमें नीचे की साइड देखिए क्या करना है, ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इधर की साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए पत्ती की शेप बन जाएगी हमारी इस तरह से। दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे और क्लिप से पकड़ लेंगे लास्ट में, और इसको भी हम चिपका देंगे। ये देखिए हमारी पत्ती की शेप बन जाएगी। और इसी तरह से फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी बना के रखी भी है। देखिए दोनों कलर से बनाई हुई है। अब हमें अपने ग्रीन कलर की पत्तियां लेनी है और एक एक करते हुए हम यहाँ चिपका देंगे। देखिए पत्ती लेंगे अपनी और साइड में देखिए किनारे किनारे चिपका देंगे एक एक करते हुए, और थोड़ी पत्तियां देखिए हमारी बाल की साइड भी आएगी। और पास पास लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और ऐसे करते हुए हम सारी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ग्रीन कलर की पत्तियां लगा दिए, और साथ ही साथ देखिए मैंने जो सर्कल कट करा था वहां पे ये लेस लगा दिए। देखिए ये लेस लगाइए, और देखिए हमने यहाँ से भी सील कर दिया इसको। और इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे भी लेस लगानी है। देखिए थोड़ा हम ऊपर की साइड मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के, और यहाँ पे भी हम लेस लगा देंगे। दोनों साइड हमारी हाफ हाफ जाएगी। देखिए हाफ हमारी ऊपर की साइड रहेगी लेस,
और हाफ हमारी अंदर की साइड चली जाएगी, इसी तरह से लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस लगा दिए। अब देखिए देखने में सुंदर लग रहा है हमारा ये घेरा। अब हमें देखिए येलो कलर की पत्तियाँ लगानी है, ग्रीन तो हमने लगा दिए। देखिए जो हमारी ये दो ग्रीन कलर की पत्ती है उसके बीच में हम रखेंगे अपने पत्ती को, यहाँ पे रख के चिपका देंगे। देखिए दो के बीच में एक आ जाएगी हमारी, देखिए ये दो हैं, दो के बीच में रखेंगे और इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। दो के बीच में और यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे। देखिए कुछ देखने में इस तरह से लगेगा हमारा ये। और फ्रेंड्स इसी तरह से हम लगा लेंगे। हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने येलो कलर की चार रो लगाई है, 1 2 3 4, और साथ ही साथ मैंने स्टोन पेस्ट कर दिए और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमें चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए रिबन लिया हुआ है साटन का, इसकी लंबाई हमारी 8 इंच है। देखिए 8 इंच की लंबाई है हमारी। अब हमें इसे बीच में से कट करना है, ऐसे रखेंगे और बीच में से हम कट कर देंगे। अगर आपके पास आधा इंच का रिबन हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने रिबन को कट कर लिया है। अब हमें अपना ये येलो कलर का रिबन लेना है, ये हमारा 1/2 इंच का है। और देखिए इस तरह से रख के इसको हम चिपका देंगे दोनों साइड, ऐसे रखेंगे और हम चिपका देंगे। हमें एक ही साइड ही लगाना है, दूसरी साइड नहीं लगाना है। देखिए रिबन लगा दिया है। अब इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कर देंगे बराबर और बीच में से कट कर देंगे। अब हमें ऐसे एक के ऊपर एक रख के इसको चिपका देंगे। आधे इंच के करीब चिपकाएंगे इसको एक के ऊपर एक रख के। और देखिए हमारी चोली इस तरह से आएगी। और चोली को बांधने के लिए हम यहाँ पे ये गोटा लगाएंगे, ऐसे गोटे को लगा देंगे। हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और बाल गोपाल जी को इस तरह से पहनाएंगे चोली को। और गोटे की देखिए पीछे ले जाके नोट लगा देंगे, तो ये हमारी डोरी का काम हो जाएगा। ये हमारी बाल गोपाल जी को डोरी बन जाएगी कमर पे और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, फ्रेंड फैमिली के संग शेयर करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।